आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रत्येक माह गर्भवती महिलाओं और बच्चों को मिलने वाले राशन के पैकेट तैयार किए जाने की सूचना के बाद विकास नगर ब्लॉक की कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख रेणु खान द्वारा जीवनगढ़ स्थित वार्ड नंबर 15 में पहुंचकर राशन सामग्री की गुणवत्ता व भार की जांच करी गई। वहां तैयार किए जा रहे सभी पैकेटों को रेणु खान द्वारा अपनी मौजूदगी में पैक करवाया गया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय एम्प्लॉयड समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जनपद स्तरीय विभिन्न प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर विकासनगर के बाबूगढ़ स्थित आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज के पास रात्रि 9 बजे के आसपास 3 दोपहिया वाहन आपस में टकरा गए, जिससे तीनों वाहनों पर सवार 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें 108 स्थानीय लोगों की मदद से डेमन अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें एक लड़का एटनबाग, 2 लड़के बाबूगढ़ के रहने वाले हैं, जबकि 2 लोग के घर का पता अभी नहीं लग पाया है। एटनबाग के रहने वाले लड़के को सिटी स्कैन के लिए मंडारी हॉस्पिटल विकासनगर लाया गया। उत्तराखंड में मौसम विभाग द्वारा मौसम बदलने को लेकर लगाया गया पूर्वानुमान एक बार फिर से सही साबित हुआ है। बुधवार की सुबह से ही समूचे उत्तराखंड में छाए बादलों की वजह से मौसम ने करवट ली और कई जगहों पर बारिश देखने को मिली, तो वहीं चकराता की ऊंची पहाड़ियों पर बुधवार को मौसम बदलने के बाद बारिश के साथ ही हल्की बर्फबारी भी देखने को मिली। बारिश और हल्की बर्फबारी होने से क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। वहीं काफ़ी दिनों के बाद हुई बारिश और हल्की बर्फबारी से पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों के चेहरे खिल गए हैं। आप देख रहे थे उत्तराखंड का अपना न्यूज़ चैनल उत्तराखंड सनसनी। और अधिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।